भाई यार, आए लक्ष्मी के माँ बाप को गुजरे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। तभी से वो ना तो स्कूल आई है और ना ही हमसे मिली है। चलो भाई, आज उसके घर चलते हैं, देखते हैं कि साल में रह रही है और स्कूल क्यों ना आती है। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? अरे भाई, आज तुम दोनों यहाँ कैसे? लक्ष्मी, तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो और ना ही कहीं दिखाई देती हो। बताओ लक्ष्मी, क्या बात है? बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। अरे भैया, तुम लोगों को तो पता ही है, इस घर में मेरे अलावा कोई और नहीं है क्योंकि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अरे लक्ष्मी, तू भी क्या बात करती है, हम किस लिए? एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। भैया आप ही बताओ, मैं स्कूल की फीस और खाने पीने का खर्चा कहाँ से करूँ? मुझ गरीब को तो कोई अपने घर के काम पे भी नहीं लगाता है। लक्ष्मी तुम चिंता मत करो, मेरे घर की कुछ दूरी पर एक अमीर शख्स रहता है, मैं कल उनसे बात कर लूँगा। तो क्या वो मुझे अपने घर पे काम पे रख लेंगे? लक्ष्मी, मैं कल उनसे तुम्हारे काम के बारे में बात करने चलूँगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, हमें बाजार भी जाना है। हाँ तो भैया तुम जाओ बाजार। अच्छा तो लक्ष्मी, हम चलते हैं। लक्ष्मी चलो चलते हैं। नमस्ते अंकल जी। क्या हुआ बेटा, कैसे आना हुआ? पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? पढ़ाई तो ठीक चल रही है अंकल जी। ये लड़की कौन है बेटा? अंकल जी, ये मेरी स्कूल की दोस्त हैं और इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में ही इनके माँ बाप गुजर गए। वो ऐसा है अंकल जी, आपके घर में काम करने वाला कोई नौकर नहीं है। हाँ बेटा, नौकर तो नहीं है जो इस घर का कामकाज कर सके। ऐसा है अंकल जी, आप इसे अपने घर पर काम पर रख लीजिए, इससे इसके घर का खर्चा भी चलता रहेगा। चलो ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। आप बहुत अच्छे इंसान हो जो मुझे नात को अपने घर पे काम पर रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से हर रोज इनके घर पर समय से पहुंच जाना। क्या भैया, मुझे आप इनके घर पर हर रोज़ सुबह सुबह छोड़ दिया करोगे? देखो लक्ष्मी, मैं आज ही कुछ सालों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम खुद ही चले जाया करना। ठीक है तो। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आ गई। अच्छा ठीक है, ये झाड़ू ले लो और ये सारी साफ सफाई कर दो। लक्ष्मी सुनो, उन पौधों में जाकर पानी लगा दो। जी मालिक।
मालिक मैंने सारा काम कर दिया। भैया क्या तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? कर तो रहा हूँ, मगर तुम्हें मेरी पढ़ाई से क्या लेना देना? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। तो फिर यहाँ मेरे पास क्यों आई हो, मेरा दिमाग खराब करने को? वो भैया मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मुझे आप अपनी पुरानी किताबें दे दो। क्या बात है लक्ष्मी, क्यों लड़ रही हो? वो पापा ये मेरी पुरानी किताब मांग रही है, कह रही है मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। ये करेंगे यूपीएससी पढ़ाई, वो यूपीएससी की? पागल हो गई है क्या? ये बनेगी कलेक्टर, सपने देख रही दिन में। भाई नौकर भी ऐसे सपने देख लेते हैं, हमें ना पता था। सुन अपने औकात में रहे और ये कलेक्टर बनने के सपने छोड़ दे, नौकर है नौकर की तरह रहे और काम पर ध्यान दे, समझी? क्या बात है लक्ष्मी, आज बहुत देर लगी तुम्हें आने में, अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हें अपने घर पर नौकरी पर नहीं रखूंगा। मालिक कल मुझे छुट्टी चाहिए, मैं कल काम पे नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी काम पर, छुट्टी किस लिए चाहिए? वो मालिक कल मेरा पेपर है, मैं पेपर देने जाऊंगी कल। पेपर देने तो मैं भी जाऊंगी कल, मगर तुम किस लिए जाओगी? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। पेपर देने जाएगी वो भी तू? तुझे लगता है इस पेपर को तू पास कर लेगी? हाँ मैं कर लूंगी, मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। तू ये बात क्यों बोल रही है कि तू नौकर है और नौकर ही रहेगी, चाहे तू कितने भी पेपर पास कर ले। चल बेटा, इसने मूड खराब कर दिया। ओए इधर आ। जी मालिक। तुझको मैंने अपने घर पे रखा बेसहारा होने के कारण, और आज तू मेरे बेटे की बराबरी कर रही है। हाँ पापा तुम ठीक बोल रहे हो, हमने इसको सहारा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जा निकल जा हमारे घर से, अब तेरी हमारे घर में कोई जरूरत नहीं। नहीं मालिक मुझे नौकरी से मत निकालिए। चल निकल यहाँ से, तेरी हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है। अरे देखो मेरे घर की नौकरानी जा रही है, इतनी गरीब होने के बावजूद भी कलेक्टर बनने का ख्वाब देख रही है। नहीं यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ये मेरी स्कूल की दोस्त है। देख अभी बुलाता हूँ मैं इसे। ए लड़की इधर आ। हाँ भैया क्या बात है? लक्ष्मी तुम इधर कहाँ जा रही हो, और आज बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। अब ये मेरे घर की नौकरानी है, और हाँ इसके पास कुछ भी ना होने के बावजूद भी कलेक्टर बनने का सपना देख रही है। अब तो ये मेरी दोस्त है ही नहीं, इसमें और हमें जमीन आसमान का अंतर है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें पता ही है मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, उसका वक्त कभी ना कभी तो बदलता है। वक्त वो भी तेरा।
अरे लक्ष्मी, कैसी हो और ये उदास चेहरा लेकर कहाँ जा रही हो? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भैया। और तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची ये तो बताओ। क्या बताऊँ भैया, इस समय मैं बहुत बुरी हालत से गुजर रही हूँ। और कल मेरा इंटरव्यू है और मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारा इंटरव्यू दिलाने चलूंगा। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बैठो। अच्छे से इंटरव्यू देना ताकि तुम उन लोगों को सबक सिखा सको जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ठीक है भैया, मैं तुम्हारे विश्वास पर खरी उतरूंगी। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नालायक, तू इधर उधर घूमता रहता है। आईटी विभाग वाले छापा मार मार कर कंपनियों को सीज कर रहे हैं। तो उसमें मैं क्या करूँगा? जब आपकी कंपनी के कर्मचारी गलत काम करेंगे तो आईटी विभाग वाले छापा मारेंगे ही। कहाँ कहाँ देखूँ मैं? अरे भाई, बहुत परेशान लग रहे हो और उदास भी रहने लगे हो, क्या वजह हो सकती है? मैं जान सकता हूँ? क्या बताऊँ भाई, आजकल हमारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं और कुछ कंपनियों पर विभाग वाले छापा मारकर सीज कर रहे हैं। तू चिंता मत कर, अभी जो नई कलेक्टर आई है ना, वो मेरे दोस्त की खास संबंधी हैं। हो सकता है वो उनसे कहकर तुम्हारी सीज हुई कंपनियां खुलवा दे। तुम सही कहते हो, कल मैं अपने पापा को साथ लेकर चलता हूँ। ठीक है, कल सुबह चलेंगे। अरे भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? और ये लोग कौन हैं? ये मेरा दोस्त है और ये इनके पापा हैं। इनकी कंपनी को विभाग वालों ने सीज कर दिया है, उसी सिलसिले में आए हूँ। अरे भाई, क्या बात कर दी, मैं अभी बात कराता हूँ कलेक्टर साहब से। वो मेरी खास हैं, वो आपका काम जरूर कर देंगे। अरे बेटा, हमारा काम जरूर करवा देना, अगर इस तरह रहा ना तो हम रोड पर आ जाएंगे। अरे अंकल, आप घबराओ मत, मैं कलेक्टर साहब से आपकी बात कराता हूँ, आप यहीं रुकिए। बाहर मेरे दोस्त आए हुए हैं कुछ काम के सिलसिले में, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। कहाँ है वो? पार्क में। अच्छा तो चलो। इनकी कंपनी को विभाग वालों ने सीज कर दिया है और उसी के सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। मैं पता भी तुम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो, इन लोगों को तो एक मिनट भी रुकना नहीं देना चाहिए। क्या बात हुई लक्ष्मी, कुछ समय के लिए ही सही, अंकल जी ने तुम्हें अपने घर पर काम पर रखा था। इन्होंने काम पे तो जरूर रखा, मगर तुम जानना चाहते हो इन्होंने मेरे संग क्या किया? तो सुनो। पढ़ाई वो UPSC की, पागल हो गई है क्या? ये बनेगी कलेक्टर, सपने देख रही दिन में। भाई नौकर भी ऐसे सपने देख लेते हैं, हमें ना पता था। सुन, अपने औकात में रह और ये कलेक्टर बनने के सपने छोड़ दे। और मुझे देखो, एक नौकरानी होने के बावजूद भी अपनी मेहनत और लगन से मैं कलेक्टर नहीं बनी। अरे भाई, मुझे शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहने पर, तू दोस्ती के नाम पर बदनामा धब्बा है। धब्बा तो है ये दोनों, क्योंकि इन्होंने मेरी इज्जत कुत्ता उछाल के रख दिया था एक दिन। तुम लोगों ने पता नहीं कितना बुरा भला कहा। बेटी, आप ही हमारी मदद कर सकती हो, हमारी कंपनी सीज हो चुकी है, अगर आप चाहें तो वो दोबारा चालू हो सकती है। नहीं करनी तुम्हारी मदद, तुम मदद के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती किसी गरीब नौकरानी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। पर एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो इंटरव्यू में जाने तक के खर्चे के पैसे नहीं थे, तो तुम कलेक्टर कैसे बने? इन्हें देख रहे हो, सच्चा दोस्त नहीं कहते हैं।
इन्हीं के वजह से मेरा इंटरव्यू पूरा हुआ है और मैं कलेक्टर बनी हूँ। भगवान ऐसा दोस्त सबको दे।